सावन प्रारंभ हो चुका है, ऐसे में कानपुर के परमठ स्थित प्रसिद्ध मंदिर आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों के दर्शन को लेकर तैयारियां मजबूती से की गई हैं। बाबा भोले के दर्शन के लिए एक दिन पूर्व ही रात से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, जिसको लेकर प्रशासन और शासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में जगह जगह पुलिस पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, साथ ही बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। कानपुर के ऐतिहासिक आनंदेश्वर मंदिर में सावन के महीने में बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, जिसको लेकर मंदिर परिसर में 3 मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। वहीं कई थानों की फोर्स के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। मंदिर के महंत रमेश पुरी जी ने बताया कि लोगों के वाहनों को मंदिर से दूर ही रखा जाएगा। महिलाओं पुरुषों की अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि बाबा के दरबार में आने वाले हर किसी भक्त को बाबा भोले के दर्शन हो सके। लगभग मंदिर की सब तैयारियां पूरी कर ली गई। मंदिर में बड़ा जनरेटर है, लाइट की सब तैयारी काम पूरा हो गया। मंदिर का सुंदरीकरण का काम आज पूरा हो जाएगा और बैरिकेडिंग हमने तैयार कर ली है और बैरिकेडिंग में दर्शन होंगे और 15 कैमरे जो मंदिर की तरफ से लगे हुए हैं, 6 प्रशासन लगाएगा, 21 कैमरों की नज़र में मंदिर पूरा रहेगा और जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन सब अपनी तैयारियां, नगर निगम सब पूरी कर रहे हैं। बैरिकेडिंग का काम चालू हो रहा है और इतवार को बैरिकेडिंग सुबह ही तैयार हो जाएगी और सोमवार को बैरिकेडिंग से पुलिस की देखरेख में दर्शन होंगे। उसमें जो यहाँ पे जो देवालय हैं, जहाँ पे शिवालय हैं, जहाँ पर जल चढ़ने का रहा हुआ है पहले से, तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। और सोमवार को, क्योंकि स्नान रहता है, हर सोमवार को बड़ा स्नान गंगा जी में होता है और उसमें यदा कदा ये सूचना मिलती है कि कुछ लोग उसमें फ्लो में बहने की बात आती है, तो उस पर हमने इस बार और पहले से भी करा जाता है, इस बार भी कराया, तो कुछ गोताखोरों को हर सोमवार के लिए उनसे सेवाएँ ली हैं कि यदि अगर कोई डूबता है या कुछ होता है तो उसको बचाने का पूरा प्रयास करा जाए। और जो भी शिवालय रहेगा उसमें व्यवस्था, सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करी जाएगी। और यदि आपको कहीं से कोई जानकारी मिलती है तो आप मेरे साथ शेयर करें, तो वहाँ पे और व्यवस्था कराई जाएगी। नगर निगम से ये अनुरोध करा गया है कि जो शिवालय रहेंगे उसके आसपास नगर क्षेत्र पे साफ सफाई का ध्यान रखें। कानपुर से टीम TV30 इंडिया के साथ सूरज वर्मा की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।